हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे और भाई अच्छे होने भी चाहिए, क्योंकि जब तक दोस्तों मैं आपके साथ में हूं, आपके साथ खड़ा हूं, तब तक तो भाई आपको कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। क्योंकि दोस्तों आपको इस चैनल पे ऐसा कंटेंट मिलता है देखने को कि भाई क्या ओरिजिनलिटी की पहचान है, क्या लोकल की पहचान है, हमें कहां पे अवेयर होना है, हमें कहां पे बचना है, क्या हमारे साथ में स्कैम होने वाला है, तो काफी कुछ चीजें आपको मिल जाती है देखने को इस चैनल पे। बात तो सही है। तो भाई बहुत से लोग अवेयर होते हैं और मुझे अच्छा लगता है यहाँ से, ताकि भाई आप लोगों के जो पैसे है ना वो व्यर्थ ना जाए यार, किसी कोई भी आपके साथ में स्कैम ना कर सके। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि जैसे कि आप सब अपने इस चैनल को प्यार करते हो, तो भाई आगे भी इस चैनल को ऐसे ही प्यार करते रहना, इस चैनल को और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और लोग भी दोस्तों अवेयर हो सके, ठीक है ना, भाई किसी स्कैम का शिकार ना हो। तो भाई मेरे तो तहे दिल से इच्छा यही रहती है कि भाई आपको ज्यादा से ज्यादा अवेयर किया जाए और आपको बताया जाए कि मार्केट में क्या क्या बढ़िया बढ़िया चीजें आ गई है आप लोगों के लिए। क्योंकि काइट फाइटिंग दोस्तों एक ऐसी चीज है, जब भाई यहाँ चढ़ती है ना, तब दोस्तों एक ही दिमाग में बात आती है, साला की घर में बैठ के काटनी, दो मारा करना, दो मारा करो फिर। तो दोस्तों आज का वीडियो कुछ ऐसा ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड थी कि भैया कि हमें ना ये कंफ्यूजन हो रहा है कि रेड मॉन्स्टर ले, थंडर वॉर ले, क्या ले। वैसे तो दोस्तों इस पे कंपैरिजन लाना, मतलब मैं मानता नहीं हूं कि भाई इस पे कंपैरिजन लाऊं, लेकिन ये इतनी डिमांडेड वीडियो बन गई थी, मुझे मजबूरन इस पे कंपैरिजन लाना पड़ा। अच्छा, क्योंकि दोनों एक ही कंपनी के ब्रांड है और बहुत ही जबरदस्त इन दोनों की परफॉर्मेंस है, तो ऐसे में इन दोनों में से बताना कि कौन सा आपके लिए बेस्ट एंड बेस्ट रहेगा फॉर 15 अगस्त, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और आपकी जो काइट फाइटिंग है ना वो त्योहार पे खराब ना हो। तो दोस्तों ऐसे में मैंने सोचा चलो इतनी डिमांड आ रही है आप लोगों की, तो क्यों ना भाई आप लोगों को मैं बता दूं भाई कौन सा आप लोगों के लिए बेस्ट मांजा रहने वाला है। मेरे पास दोस्तों दोनों ही ब्रांड है, रेड मॉन्स्टर भी साथ में देख सकते हो, थंडर वॉर साथ में देख सकते हो, और दोनों ही दोस्तों 6,000 मीटर में आते हैं, मतलब 6 रील के मांजे है, ठीक है ना। सबसे पहले मैं रेड मॉन्स्टर की यहाँ पे बात कर लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इस मांजे के बारे में भी जानना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि थंडर वॉर के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है, इसकी बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं रेड मॉन्स्टर की बात करता हूँ। रेड मॉन्स्टर एडजी कंपनी का ही ब्रांड है, ठीक है ना, एडजी कंपनी है कॉटन के मांजों की, जो इंडिया में लॉन्च हो चुकी है, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने जो अपना लेबल तैयार किया है वो किया है रेड मॉन्स्टर के नाम से, जिसका लेबलिंग आप देख सकते हो कितना जबरदस्त देखने को हमें मिल जाता है ना, इस तरीके से। इसकी मैंने प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग की और इसके रिव्यू की भी मैंने वीडियो बनाई है, आप उसमें इसकी ओरिजिनलिटी की पहचान देख सकते हो, क्योंकि यहां तो बताना दोस्तों बहुत मुश्किल है, यहां तो सिर्फ और सिर्फ मैं कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा कि आपको अपने आने वाले फेस्टिवल पे कौन से वाला ब्रांड यहां पे लेना चाहिए। अब दोस्तों ये बिल्कुल मत सोचना कि अगर मैं दोनों में से कोई सा भी एक सजेस्ट आपको करूं तो दूसरे वाला ब्रांड यहां पे खराब है, नहीं भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा सोचा तो भाई ये इस कंपनी की तोहीन होगी, क्योंकि इस कंपनी ने मेरी डिमांड के ऊपर बहुत अच्छे केमिकल लगाए हैं, तो इनके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बहुत ही जबरदस्त है, और यही बात दोस्तों रेड मॉन्स्टर के ऊपर लागू होती है, क्योंकि रेड मॉन्स्टर की जो दोस्तों मैंने टेस्टिंग की थी तो भाई इसने इतनी जबरदस्त तरीके से कहर मचाया था प्लास्टिक मांजे के ऊपर, मतलब ये मानो कि एक शेर कितने गीदड़ों के ऊपर टूट पड़ा हो, इसने वो क्वालिटी दी थी। लेकिन 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 कि हमें यहाँ पे ये सोचना है कि हमें टाइम बचाना है अपना, ज्यादा टाइम दूसरों की पतंग काटने में ना ले, हमें 30 से 45 सेकंड तक रिजल्ट मिल जाना चाहिए। अगर ढील लवर है तो इतना टाइम होना चाहिए, अगर खींच लवर है तो खींच का तो आप जान ही सकते हो, कोई सा भी मांजा ले लो भाई खींच में तो वो काटेगा काटेगा, लेकिन एक अच्छा अगर मांजा होगा तो वो आपको मतलब एक थपकी से भी काम करके दे देगा, तो खींच की तो बात रही है। लेकिन दोस्तों हमेशा से मैं एक बात कहता हूं, मैं मांजे को दोस्तों हमेशा धार के ऊपर जज करता हूं, तो सबसे पहले मैं इसकी धार के बारे में बात कर लेता हूं, ठीक है ना। ये देखिए दोस्तों यहां मैंने ये मांजा जब मैंने यूज किया था, तो मैंने यहां टेप वेप लगा करके इसको यहां मैंने बांध के रख दिया था, ताकि भाई मैं जब दोबारा नेक्स्ट काइट फाइटिंग करूं तब मैं उसके लिए प्रॉपर तैयार रहूं। तो इस वाले मांजे की मैं अगर धार की बात करूं तो ये देखिए दोस्तों इसकी धार मैं आपको समझा देता हूं, इसकी धार कैसी है कैसी नहीं है। पहले इसके ऊपर की धार मैं चेक करके आपको बता देता हूं कैसी है। दोस्तों इसके ऊपर की जो धार है ना वो हल्की चिकनी लग रही है मुझे और खुरदरी सी लग रही है, ठीक है ना। और नीचे की धार की बात करूं, ओहो नीचे की धार पे दोस्तों मतलब बहुत ही करारा धार, मतलब मुझे हाथ जब मैं ऐसे फेर रहा हूँ ना तो मुझे बहुत ही शार्प लग रहा है, ऐसा लग रहा है ऐसा कांटा लग रहा है जैसे कि ये भी हाथ में ना घुस जाएगा। तो दोस्तों इस पे खड़े कांटे वाला काम हुआ है, स्मूथनेस मुझे इसमें कहीं पे भी नहीं लगी है, लेकिन मैंने इतना रियलाइज किया है कि जब आप 5 से 6 पैंचे आराम से लड़ा लोगे इस वाली थ्रेड से तब इसके अंदर थोड़ी स्मूथनेस आएगी, ठीक है ना। और ये मैंने चीज चेक भी की है, ये मांजा मैंने यूज किया है, तो इसका जो नया मांजा यहाँ पे मैं हाथ लगा रहा हूँ तो खड़ा कांटा है, और ये जो मांजा है यहाँ पे जब मैंने इसको यूज करके रख दिया था तो यहाँ पे मुझे हल्का सा स्मूथ लग रहा है। अब इसके दोस्तों दो फायदे आपको है, जब आप बिल्कुल नई थ्रेड से पैंच लड़ाओगे तो ये आपको क्विक रिजल्ट देगा, मतलब 3 से 4 पैंचे आपके दड़ाधड़ काट देगा, ऐसा भी हो सकता है टच एंड गो वाला आपको काम भी दे दे, लेकिन जैसे जैसे पैंच पुराने होते जाएंगे तो वैसे ये टाइम लेता रहेगा, समझ में आ गई ना बात। तो इस पे ऐसा काम हुआ है, तो रेड मॉन्स्टर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है इस धार के अंदर। तो बात करते हैं अब थंडर वॉर की। ये लीजिए दोस्तों आपका अपना चेहरा थंडर वॉर,
इसने भी भाई बस मैं क्या ही बताऊं यार, मैं बोल नहीं सकता क्योंकि आप लोग जब टेस्टिंग देख लोगे ना, या जिसने देख ली होगी वही इसके गुण गा सकता है दोस्तों। चलिए इसको ओपन करते हैं। भाई मेरे अंदर ऐसी आदत है, जब मैं मांजे को यूज़ कर लेता हूं तो मैं उसको बांध के रख देता हूं ताकि मांजा अंदर ही अंदर पकता रहे और वो नेक्स्ट परफॉर्मेंस में अपना मतलब खतरनाक तरीके से जान लगा दे, ताकि उसके अंदर जो केमिकल यूज हुए वो और निखर के सामने आए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो ये है हमारा थंडर बॉल, ये देख लीजिए दोस्तों, जबरदस्त तरीके से इस पे कंपनी ने बहुत जबरदस्त काम किया है भाई। इस पे अगर मैं हाथ लगाता हूँ तब आपको ना फील ऐसा आएगा कि यार अभी लेके चढ़ जाऊं छत पे, चाहे रात हो चाहे दिन हो, इतने एक्साइटेड आप हो जाओगे। ये जो है 8400 धागे के ऊपर बना हुआ है, जो इसमें केमिकल यूज किए हुए हैं मेरी डिमांड के ऊपर, वो 8400 के धागे पर बने हुए हैं। 8400 का धागा यहाँ पे क्यों लिया कंपनी ने, क्योंकि चाइनीज मांजे को काटने के लिए 8400 मांजा बहुत अच्छा होता है, दूसरी बात स्ट्रेंथ वाइज बहुत मजबूत होता है, तो इसलिए कंपनी ने बड़ा सोच समझ के यहाँ पे 8400 का धागा यूज किया है। अगर मैं रेड मॉन्स्टर की बात करूँ कि इस पे कौन सा धागा कंपनी ने यूज किया है, तो भाई ये जो धागा है ना, ये 123 का धागा तो है दोस्तों, ऐसा होता नहीं है, ना ही मुझे 8400 का धागा लग रहा है। ये पता नहीं कौन सा धागा है भाई, मैं कह नहीं सकता, श्योर नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि कंपनी ने ये डिटेल नहीं दी है। मैंने उनसे पूछा जरूर था, तो उन्होंने ये डिटेल मतलब हाइड रखी है, तो ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते भाई, अपनी उनकी भी खुद की लाइबिलिटीज़ है। तो अगर मुझे पता होता मैं आपको जरूर बताता कौन से धागे पर उन्होंने ये केमिकल लगाया है। कॉटन है, इस चीज़ की गारंटी है दोस्तों। अभी कौन से तार पर ये बना हुआ है मैं आपको उतना बता सकता हूँ, ये तो है दोस्तों 8400 के धागे पर 6 तार पर बना हुआ है, मतलब कि 6 कोड, समझ में आ गई। अब रेड मॉन्स्टर की मैं बात करूं तो ये है दोस्तों 8 या 9 कोड पे ये बना हुआ है। उन्होंने यहाँ पे मुझे लमसम ही बताया है कि 8 कोड से नीचे नहीं है और 9 कोड से ऊपर नहीं है, मतलब कि 9 तार या 8 कोड पे हमने इसको डिजाइन किया है मांजे को, तो ये आपको 8 कोड या 9 कोड पे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको साइड ही रख लेते हैं अभी, क्योंकि जब बात थंडर बोर की हो रही है तो भाई इस पर पूरा फोकस करके आपको बताता हूँ। इसकी धार की बात करता हूँ फिलहाल, ये मैं इसके ऊपर हाथ लगा रहा हूँ ऐसे ऐसे, ऊपर की धार दोस्तों यहाँ पे मुझे हल्की शार्प लग रही है, नीचे की धार नीचे की धार दोस्तों बहुत ही चिकनी है यार, और उसमें हल्का मुझे कांच महसूस हो रहा है। अब मैं इसको मांजे को ऐसे छू करके देखता हूँ कि कैसी धार इन्होंने यूज़ की है। दोस्तों अगर किसी ने थंडर बोल लिया है ना, तो ऐसे छू करके इस मांजे की धार को महसूस करे, आपको बिल्कुल गोल धार देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं मिलेगा कि कहीं पर खड़ी है, कहीं पर बैठी है, कहीं पर खड़ी है, कहीं पर बैठी है। अगर आपको ऐसी धार देखने को मिलती है तो समझिएगा, चाहे वो कोई सा भी कॉटन का मांजा हो, वो मांजा ज़्यादा टाइम तक परफॉर्मेंस नहीं देगा, 3 से 4 पतंग के बाद में कटने लगेगा। लेकिन इसकी जो धार है वो आप ऐसे कंटिन्यूअसली अगर हाथ फेरते रहोगे ना, तो आपको बिल्कुल शुरुआत से लेके आखिरी तक गोल की गोल धार मिलेगी। शाबाश। सबसे बड़ी बात है इस मांजे के अंदर स्मूथनेस बहुत है, तो भाई मेरे अगर जिस मांजे के अंदर स्मूथनेस हो प्लस शार्पनेस हो, तो वो मांजा आपका लॉन्ग टर्म तक टिक जाता है, समझ में आ गई ना बात। अभी बात कर लेते हैं कि भाई इन मांजों से आप कौन कौन सी काइट उड़ा सकते हो, तो भाई इससे भी आप 2 तवा तक उड़ा सकते हो आराम से, और इससे भी आप 2 तवा तक आराम से उड़ा सकते हो। अद्धी पौनी की तो बात छोड़ ही दो, वो तो आप उड़ा ही लोगे, लेकिन बड़ी पतंगे की बात करते हैं ना, तो तेज हवा में आप 15 से 16, 17, 18 की हवा में आप 2 तवा तक दोनों से ही उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अभी बात आती है कि भाई हम कौन से वाले मांजे के ऊपर जाए, क्योंकि मैंने अभी आपको इनकी बारीकियां समझाई है कि कौन सा मांजा क्या काम करेगा, किसकी धार कैसी है, किसकी धार कैसी नहीं है। मैं हमेशा से एक बात कहता हूं, आपको शायद पता हो, जिस मांजे की धार ऊपर की एकदम हल्की करारी हो, नीचे की एकदम चिकनी हो और हल्की शार्पनेस हो उस मांजे में, तो भाई वो मांजा आपका कोई सा भी हो, आप उसको आंख बंद करके ले लो, ठीक है ना। लेकिन इस वाले मांजे की जो धार है वो एकदम खड़ी धार है, वो बहुत कड़क धार है। इस वाले मांजे की एक स्पेशलिटी है कि 3 से 4 पैंचों के बाद में इस मांजे के अंदर स्मूथनेस आती जाएगी, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। और स्मूथनेस जिस मांजे में रहती है वो मांजा आपका गदर ही मचाएगा, टाइम तो लेगा काटने में पतंग, लेकिन हार नहीं मानेगा मरते दम तक। ये एडजी कंपनी ने बड़ा सोच समझ के यहाँ पे दिमाग लगाया, समझ में आया ना। तो दोस्तों कंपेयर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है कि भाई यहाँ पे कौन सा किसको मतलब टक्कर दे रहा है, तो दोस्तों एक ही कंपनी है, दोनों के ब्रांड भी बहुत जबरदस्त है। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे कोई एक मांजा आपको सजेस्ट करता हूँ, तो ऐसा मत सोचना कि भाई रेड मॉन्स्टर खराब है तो वो तो परफॉर्मेंस देगा नहीं, या फिर थंडर बोल्ट खराब है वो परफॉर्मेंस नहीं देगा। दोनों मांजे बाप है बाप, प्लास्टिक मांजों पे तो कहर बनकर टूटने वाले है, टूटेंगे भी और टूटते भी है, मैंने तो भाई प्रूफ कर दिया है, बाकी आप देख लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंपेरिजन का मतलब ही यही बनता है कि भाई आपको ना अपने फेस्टिवल के लिए 4 चांद लगा दे, ठीक है ना। मैं तो ये कहता हूँ कि आप दोनों ही उड़ाओ, दोनों से ही उड़ाओ, दोनों से ही रुका मचाओ, लेकिन होता है भाई कोई कोई बंदा नहीं मानता, फिर भी वो कहता कि नहीं भैया हमें तो एक ही बता दीजिए, ठीक है ना। बात तो सही है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर मेरी एडवाइस पे ही जाना है तो कौन सा वाला मांजा ले हम, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए और एक अच्छी पतंगबाजी के लिए, तो भाई मेरी एडवाइस ये कहती है कि आप थंडर वॉर की तरफ चले जाइए। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों कंपनी ने इस पे 2 तरीके से जोर डाला है। एक तो 8400 के धागे पर बना हुआ है, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे कोई भी अपोनेंट हो
वहां पे वो ही मात खा जाएगा क्योंकि स्ट्रेंथ वाइज बहुत अच्छा मजबूत होगा, ठीक है ना। दूसरी चीज ये, जो धार मैं अपने मांझे में हमेशा कहता हूं कि ऐसी होनी चाहिए और स्मूथनेस तो होनी ही होनी चाहिए, वो काम इन्होंने यहां पे करके दिया है, ठीक है ना। जब हमें ये चीज मिल जाती है दोस्तों, मैं जरा से भी मिनट नहीं लगाता उस मांझे को उठाने में, चाहे वो साला 500 का हो या फिर वो 20,000 का हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो भैया ये दो चीज चेक करता हूँ, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, किसी भी कंपनी का हो। तो मेरी एडवाइस ये कहती है कि आपको थंडरबोर मांझा ले लेना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये वाला मांझा खराब है। अब बहुत से लोग इसको गलत सोचेंगे कि यार इसने ना थंडरबोर बता दिया तो भाई हम रेड मॉन्स्टर नहीं लेंगे। भाई रेड मॉन्स्टर अपनी जगह सही है, इसकी प्राइस तो देखिए थंडरबोर से बहुत कम है। थंडरबोर की प्राइस दोस्तों इससे कई ज्यादा महंगा है थंडरबोर, तो प्राइस में भी तो अंतर है ना मेरे भाई। ये तो सोचो प्राइस में अंतर है, प्लस इनका जो मटेरियल है और इन पे जो काम हुआ है शार्पनेस के और जो उनकी धार पे काम हुआ है वो डिफरेंट है। मुझे जो अच्छी लगती है मैंने आपको वो बता दिया, बाकी डिपेंड आप पे करता है भाई आप कौन सा मांझा ले कौन सा ना ले, क्योंकि आपकी क्वेरीज थी, आपके कमेंट थे, तो मैंने आपको सजेस्ट कर दिया, ठीक है ना। आप सभी भाइयों को तो ये रहता है कि भाई हमें जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए ताकि हम जल्दी बहुत ज़्यादा पतंगे काट सके, तो ऐसे में थंडरबोर ही ज़्यादा काम कर सकता है। क्योंकि मैंने खुद देखा है जब मैं प्लास्टिक वाले मांझों को काट रहा था तो भाई 15 से 20 सेकंड के अंदर रिजल्ट दे रहा था मांझा। अब प्लास्टिक के मांझों के साथ में पैंचे मैंने भी किए, काफ़ी पैंचे किए, तो जा रहे हैं एक रील पे पैंच, दो दो रील पे पैंच, पता नहीं चलता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। ऐसे ही होता था मेरे साथ में भी, आपके साथ में भी होता होगा, अभी भी होता होगा, क्योंकि बहुत से लोग तो मानते नहीं अभी भी उड़ाए रहे होंगे। भाई प्लीज़ मत उड़ाओ, अब ये चीज़ आ गई तो इन चीज़ों पर फोकस करो। ऐसे में दोस्तों ये निकल गया है थंडरबोर्ट, तो उसने मुझे वो चीज़ दिखाई कि हाँ जिससे मैं आपको सजेस्ट कर सकूं। अब रही रेड मॉन्स्टर की बात, रेड मॉन्स्टर दोस्तों स्टार्टिंग के 3 से 4 पैंच आपको जल्दी जल्दी काट के देगा, लेकिन फिर बाद में थोड़ा टाइम लगाएगा लेकिन काटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्विक डिसीजन और क्विक सॉल्यूशन वाला काम आपको थंडरबोल्ट वाला ही मजा दे सकता है, बाकी आपका बजट भी होता है कि भाई आपका पॉकेट क्या अलाउ करता है क्या नहीं अलाउ करता। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि और लोगों के पास जाए ये वीडियो, ताकि उनको पता लगे भाई हमें क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। हाँ अगर आप उसको बोलोगे कि काइट फाइटिंग इनकी वीडियो बनाओ, मैं बना दूंगा, लेकिन बहुत लंबे लंबे पैंच ले जाएंगे इन दोनों के और बहुत ही रेयर होगा इनको भाई वहाँ पे भी दिखाना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ जल्दी से नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गाइस जय भारत।